ये है हमारी आज जिस टीम ने प्लांटेशन किया है, हमारे बीच में प्रवीण कुमार तेवतिया जी, शौर्य चक्र विजेता भारत सरकार और 3 बार आयरन मैन, और मतलब मुझे तो डेफिनेशन भी देनी है तो आप खुद ही बता दो। नहीं नहीं खुद ही बताए, एक बार जरूर बताए, हमारी टीम को पता तो चले हमने पौधरोपण करा कहाँ है। सर देखिए, मैं हूँ आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो शौर्य चक्रवाड़ी प्रवीण कुमार तेवतिया, और आज हमने यहाँ पर जो NDRF ग्राउंड है यहाँ पर हमने 15 पौधे लगाए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। उसमें अमरूद है, अर्जुन है, अनार है, पीपल है। तो इसी तरह से और हम ऐसे ही पौधारोपण अपनी धरती माँ के लिए, जिसको हम भारत माँ कहते हैं, करते रहेंगे। भारत माँ की सेवा हम ऐसे ही करते रहेंगे। पहले बॉर्डर पे करते थे, अभी हम अंदर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, पौधे लगा के, क्योंकि कोरोना में देखा होगा आपने कि सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, और हमारे जो एरिया है वहाँ पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बारिश कम हो रही है या फिर एकदम से बारिश हो रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है कि हमारे यहाँ पर पौधों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जंगल को हम लोग बहुत ज्यादा काट रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं लगा नहीं रहे हैं, और हम कंक्रीट के जंगल में रहना पसंद करते हैं। हम घर के सामने कोई कच्चा पैच नहीं छोड़ते, हम लोग उसको सीमेंटेड करा देते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर के सामने जो सीमेंट पैच है उसको थोड़ा सा तोड़कर वहां पर एक छोटा सा पौधा लगा दीजिए, जो कि आने वाली जनरेशन को वो फल दे, छाया दे, और आपके घर को जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ऑक्सीजन दे। वाह, डिफरेंट। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। चलिए, थैंक यू। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ पौधे, अब हमने कहाँ कहाँ रोपण करे हैं। सबसे पहला पौधा आपको मैं दिखा रहा हूँ,